आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में मई महीने में वार्षिक मुद्रा स्फीति बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पर पहुंच गई। चीनी से लेकर आटे तक हर वस्तु के दाम आसमान पर नजर आ रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार पाकिस्तान में लोगों को 1 किलो चीनी के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं 20 किलो आटे का थैला 4,000 रुपए में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 253 रुपए है। दाल, चावल, अंडे, स्टेशनरी, साबुन, माचिस समेत सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इससे यहाँ लोगों के घर का बजट बुरी तरह गड़बड़ा गया है। पाकिस्तान इन दिनों विदेशी कर्ज के बोझ, स्थानीय मुद्रा कमजोर होने और विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने जैसे संकट से जूझ रहा है। मुद्रास्फीति का आकलन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाता है, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं।